जब ये अनाउंस किया गया था कि सेवन डेडली सिंस की एक नई मूवी आने वाली है नेटफ्लिक्स पर 2 अक्टूबर को, तो काफी ज्यादा दिल गार्डन गार्डन हो गया ये सुनकर कि हाँ यार एटलीस्ट अब ये देखने को मिल जाएगी लीगली। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा सेवन डेडली सिंस की नई मूवी कर्सेड बाय लाइट इनके बारे में, जो तकरीबन 1 घंटे 30 मिनट के आसपास है। अगर आप लोगों ने सेवन डेडली सिंस के सारे सीजन देख रखे हैं तभी ये मूवी देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगी। अगर बिना सारे सीजन देखे ये मूवी देख लेती मतलब मूवी देख लेते हो तो अफेक्ट ये पड़ेगा कि भाई आप लोगों को स्पॉइलर मिलने वाला है कि पिछले बीते सीजन में क्या हुआ, क्योंकि एक तरीके का सारा निचोड़ है इस मूवी के अंदर। सारा निचोड़ तो नहीं कह सकते, मतलब आपको स्पॉइलर मिल जाएंगे। और अब इस मूवी की कहानी की चर्चा कर लेते हैं। देखो यार, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को स्पॉइलर मिल सकते हैं अगर आप लोगों ने ऑलरेडी सीजन नहीं देख रखे हैं। तो अगर इन्होंने देख रखे हैं तो उनके लिए तो शायद इसमें कोई भी स्पॉइलर नहीं होने वाला। तो जब सारे सीजन खत्म हो जाते हैं, सारे एक साथ अब मिलकर आराम से रहने की कोशिश कर रहे हैं इस मूवी के अंदर, अब उनकी आपस में शादियां हो रही हैं ऑब्वियसली, जो जिनको पसंद करता है उनकी। अब यह तो है नहीं कि जनता सिर्फ यही देखने आई है, उनको चाहिए मसाला, और मसाला आता है कि युद्ध जो चला था अब वो खत्म हो चुका है, डीमन किंग की हत्या हो चुकी है, मतलब मार दिया गया, हरा दिया गया है उसको। लेकिन अब कोई चाहता यह है कि वो फिर से वॉर स्टार्ट हो। इस मूवी के अंदर ऑब्वियसली कोई एक ऐसे, मतलब मैं कैसे बताऊं, उस विलन की ऐसी इंटेंशन दिखाई गई है कि वो ये वॉर वापस स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन अब सेवन डेडली सिंस जो है वो इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे दरअसल सेवन डेडली सिंस तो कहना ही एक तरीके का खराब बात होगी, क्योंकि अब सेवन नहीं 5 है। एस्कनोर की जो डेथ हुई थी तो काफी ज्यादा इमोशनल थी वो चीज, मतलब वो सीन, मतलब थोड़ा बहुत इसके अंदर दिखाया गया, दिखाया नहीं सिर्फ बताया गया कि एस्कनोर के बातें बताते हैं कि ये जो चीजें वो लड़ रहे होते हैं, तो वो चीज उनको बोलते हैं कि एस्कनोर के लिए हम ये कर रहे हैं, तो वो चीज अच्छी लगी मुझे। जो चीजें मुझे अच्छी लगी इस मूवी के अंदर उनके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसकी एनिमेशन मुझे काफी पसंद आई, जो इसकी फाइटिंग सीक्वेंस तो नहीं कह सकता कि जो फाइट थी लास्ट की वो थोड़ी बहुत लुभानी थी, मतलब हाँ उसको देखकर लग रहा था कि हाँ थोड़ा बहुत यहाँ हम इंजॉय कर पा रहे हैं। तो इतनी चीजें ही हैं इसमें बताने के लिए जो अच्छी, सच कहूं ये बोलने के लिए भी मुझे काफी टाइम लग गया था। मैं लिख रहा था कि यार मैं बोलूं तो बोलूं, क्या बोलूं इसमें अच्छा क्या है, क्योंकि यार सच में अब जो बोलने वाला हूं, जो इसके बारे में जो अच्छी बातें नहीं है, जो मुझे बुरी लगी है, वो दिल पे पत्थर रख के बोलनी पड़ रही है, क्योंकि सीरीज मुझे वास्तव में काफी ज्यादा पसंद है। लेकिन मूवीज ऐसी आ रही हैं कि यार वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रही है कि सीरीज कितनी बढ़िया है, उसकी स्टोरी कैसे चली है, एनिमेशन कितने बढ़िया रहे हैं, हम उसके साथ कैसे कनेक्ट रहे हैं, लेकिन ये जो चीज है वो मूवी के अंदर नहीं हो रही है। जो मूवी की जो एंडिंग है वो ऑब्वियसली प्रिडिक्टेबल है, लेकिन जो इसके अंदर विलन दिखाया गया है वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, मतलब वो आपको सरप्राइज करेगा, मुझे भी सरप्राइज किया। लेकिन इसकी जो स्टोरी है वो आपको ऐसे लगेगा यार धक्के से बनाई गई है, मतलब जिसने भी लिखी है उसका मन नहीं था बनाने का, बस ऐसे बना दी गई कि हाँ अब ये सेवन डेडली सिंस के सारे सीजन खत्म हो चुके हैं, तो एक बाय बाय के तौर पे हम ये एक मूवी निकाल लेते हैं। मतलब उसको देखकर अंदर से फीलिंग नहीं हुई कि यार वो दिल से काम किया हुआ है, इससे हम उसके साथ कनेक्ट भी नहीं हो पा रहे हैं, इंटरेस्टिंग भी नहीं लग रही है। सच में फाइटिंग सीक्वेंस जैसे मैंने कहा यार वो इतने अच्छे नहीं लगते हैं, स्टार्टिंग में तो इतनी मतलब इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पा रही होता है, ऐसा लगता है कि यार इसको स्किप करो यार ये चल क्या रहा है। लास्ट में जाकर थोड़ा बहुत हमें अब इस मूवी के अंदर इंटरेस्ट आता है, लेकिन स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं होता। जितनी उम्मीदें मैंने इस मूवी से लगाई थी, सच को यार उन सभी उम्मीदों के ऊपर पानी सा फिर गया है, मतलब बिल्कुल डिसअपॉइंट कर दिया है इस मूवी ने। तो सेवन डेडली सिंस की जो सीरीज मैंने देखी उसकी जर्नी काफी अच्छी रही, वो देखकर काफी अच्छा लगा, कितने मतलब इतने अच्छे अच्छे मतलब सीन देखने को मिले थे मुझे। मेलियोडस की जो शरारतें थी, इसके अंदर इतनी नहीं है, इतनी क्या इसमें है ही नहीं शरारत, हाँ दो भाई जो हैं अब वो आपस में मिल रहे हैं, ये वाली जो चीज आपको इसमें देखने को मिल सकती है, शायद थोड़ा बहुत वो इमोशनल करते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा इमोशनल नहीं भी करते। जो एंडिंग दिखाई गई है इस सीरीज के अंदर, मतलब जो विलन जो है वो मेन विलन जो है उसकी जो डेथ दिखाई गई है, वो भी यार इतना अच्छा नहीं लगता कि बस इतना ही था क्या यार। वो यार वो शब्द नहीं मिल रहा मुझे प्रॉपर, मतलब इसको बता सकूं कि यार बहुत ज्यादा निराशाजनक मुझे लगी है। हाँ एक पोस्ट क्रेडिट सीन इसके अंदर दिखाया जाता है, शायद उसके तौर पर एक नया सीजन आ सके। मैंने उसके बारे में सर्च किया तो मुझे ऐसा कुछ मिला तो नहीं, मे बी
आ सकता है या मे बी नहीं भी आ सकता। खैर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को क्या लग सकता है, मतलब लगता है क्या आएगा कि नहीं आएगा इसका नया सीजन। तो मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 5.5 out of 10 star। अगर आप लोगों ने ये मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी। देखो अगर आप लोग ये मूवी देख चुके हैं इसकी आप अगर सीरीज से हट रहे हैं, कहते यार मूवी अच्छी नहीं लगी तो सीरीज कैसी होगी, तो सीरीज काफी अलग है, डिफरेंट है, मूवी जस्टिफाई नहीं करती है किसी भी सीरीज को। जैसे नारुतो की बात कर लो यार, नारुतो की कोई भी मैंने मूवी देखी है तो बहुत रेयरली ऐसी होंगी जो मतलब है ही नहीं यार, जितनी मैंने देखी है किसी भी मूवी ने ऐसा नहीं है कि जस्टिफाई कर दिया उस सीरीज को, जबकि सीरीज देखो इतनी बढ़िया है। सेम बात सेवन डेडली सिन के ऊपर लागू होती है, इसके अंदर भी ऐसी मूवी नहीं आई है। जैसे मैंने 2010 के अंदर सेवन डेडली सिन प्रिजनर ऑफ द स्काई टेम्पल शायद ऐसे कुछ करके थी वो मूवी देखी थी, वो तो बिल्कुल यार ऐसे समझो फिलर है, पूरी जो मूवी है वो पूरी की पूरी फिलर है, आप उसको स्किप भी कर सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मूवी एक तरीके से सारा सीजन का सारे के सारे सीजन खत्म हो चुके हैं तो बाय बाय कहने का तरीका कह सकते हो। हाँ इसमें दिखाया गया है शादियां हो रही हैं, अब सब अपनी मतलब अपनी अपनी शादी मतलब लाइफ अच्छे से बिता रहे हैं, तो ये थोड़ा बहुत इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो लेंथी वीडियो नहीं करते हैं, तो बस यही सजेशन मैं देना चाहूंगा या एडवाइस यही देना चाहूंगा। तो देखो यार आप लोगों ने मूवी देखी उसको हटा देना, बट सीरीज जरूर देखना, काफी अच्छी सीरीज है। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, और हाँ ये इंग्लिश डब में मुझे तो नहीं मिली, आपको इंग्लिश सबटाइटल में इसको देखना पड़ेगा। 2 अक्टूबर को ही रिलीज हुई है, मैं भी आने वाले टाइम में शायद डबिंग में आपको मिल जाए, तो दोबारा से कर लेते हैं। तो जिन्होंने देख रखी तो वो कमेंट करना, जिन्होंने नहीं देखी है तो जाकर देख लो, आपको एक तरीके से टाटा बाय बाय कह देना, लास्ट से मूवी है। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, बार बार तो बोल रहा हूं, तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।